यार एक भाई जब हसन एक काम कर, ऊपर हमारे कोई कॉलेज का कोई पियन होगा, ये यजीद की आर्मी के जो लोग हैं, उसको बोलो नीचे पानी मांग रहे हैं सर। यार दे तो दिया भाई व्हाट्सएप पे ऑडिट का पीडीएफ। यार करा देना वर्सलान। अच्छा जी तैयार हो? आप लोगों ने एक्विटी की वैल्यूएशन देखी और आपने उसमें तीन केसेस देखे, दो केसेस देखे। एक आपने देखा क्या चीज, कॉन्स्टेंट डिविडेंड। आपने इसमें देखा कि कॉन्स्टेंट डिविडेंड में अगर आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, अच्छा आइंदा के बाद मैं मार्केट वैल्यू की जगह प्राइस लिखूंगा, किसी को मसला तो नहीं है ना। प्राइस का मतलब है मार्केट वैल्यू, प्राइस इक्वल्स टू डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और हम सबको ये बात भी पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड ओवर प्राइस। है सर? सर फिर आप लोगों ने एक और केस देखा जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स, ऐसा आपने इसमें ये देखा कि सर कंपनी की प्राइस बराबर है डिविडेंड वन प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट, ऐसा। और हमारे पास के ई का फंक्शन इसी को रीअरेंज कर दिया था हमने, ऐसा जी यही था। अदर केसेस ठीक है जी, आज हमने पहले इस अदर केस को देखना है और फिर इसके बाद हमने एक स्टेप आगे जाना है। सर हम बस पानी पानी, हम बस सिर्फ थोड़े से फासले में मजीद हमें तीन क्लासेस चार क्लासेस और चाहिए, हमारा पहला 15 मार्क्स का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी सर प्लीज बोर्ड में देखना, यहाँ तक याद है चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रोथ रेट के मैंने आपको दो फंक्शंस बताए थे, एक तो मैंने आपको बताया था कि सर आप डिविडेंड्स की ग्रोथ देख लें, और ऐसा मैंने बताया था कि लेटेस्ट डिविडेंड याद आ रहा डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड वन ओवर एन माइनस वन, ऐसा। दूसरा हमने गॉर्डन्स का मॉडल देखा था, याद आ रहा है? ऐसे ही था। फिर प्रॉफिट ग्रोथ से भी हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे ही ना। आपको कोई भी एग्जाम में जगह मिल जाए आप इस पे काम कर सकते हो। सर अब प्लीज मेरे बच्चों जरा सा बोर्ड पे देखना, अब हम जो चीज आज आज की कवर करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी टिपिकल है। बहुत ठंडा है। मुझे एक बात बताओ सर, मैंने ना एक कंपनी खोली और उस कंपनी में एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने जो ना भंग भंग का इस्तेमाल शुरू किया। भंग समझते, एक नशा होता है ठीक है जी, गवर्नमेंट ने अज्यूम करो लीगलाइज कर दिया ठीक है। तो हमने क्या किया, भंग के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए ठीक है जी, हिट हो गया मार्केट में, मार्केट में हिट हो गया हमारा प्रोडक्ट। सर हमें पहले साल प्रॉफिट हुआ, गौर से सुनना, पहले साल अच्छा एक शेयर हमारा 10 रुपए का इशू हुआ ठीक है। जल्दी आ जाओ मेरे बच्चों। सर हमारे पहले साल ना डिविडेंड हमने दिया 4 रुपए का, 10 रुपए के शेयर पे कितने का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, ठीक ठाक कमाई की हमने। दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल हमारा अंदाजा है कि हमारे डिविडेंड्स ग्रो करेंगे 20% से, कितने से 20% रेट से ग्रो करेंगे, इतना मैसिव ग्रोथ होगा इंशाल्लाह ठीक है जी। फिर क्या होगा, पांचवें साल से ऑनवर्ड्स डिफरेंट कंपेटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे और ये कंपेटिटर्स करेंगे ये कि हमारी ग्रोथ को रोक देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है एक मार्केट में जब बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स होते हैं तो मार्केट क्या हो जाती है, शेयर्ड हो जाती है और मार्केट की ग्रोथ भी शेयर्ड हो जाती है। अगर मार्केट में हर दफा 10,000 नया कस्टमर आ रहा है हर साल तो एक ही सप्लायर होगा तो 10,500 उसी को मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ते जाएंगे तो ग्रोथ भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमें लगता है कि 4 साल तो बड़ा गोल्डन पीरियड होगा, लेकिन चौथे साल के बाद जब पांचवा साल आएगा तो हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ 5% होगी इसके बाद ठीक है जी। यानी ईयर 4 से आगे ग्रोथ रेट क्या होगी,
5% होगी। ऐसा गौर से सुनना मेरे बच्चों, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आप इस कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल के दो। क्या निकाल के दो? मार्केट वैल्यू निकाल के दो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? उससे कहा के ही हमारे पास है से 15%। कितनी जनाब? आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। आपने अभी अभी डिविडेंड दिया कितने का? 4 रुपए का। अब सुनना जरा गौर से प्यारे बच्चों, पहले जो काम करो डिविडेंड ड्राफ्ट करो, इधर एक ग्रोथ रेट है या दो ग्रोथ रेट्स हैं? दो ग्रोथ है। पहला स्टेज सुपर नॉर्मल ग्रोथ है, फिर इसके बाद स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी समझते हो? आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्या हो जाएंगी? नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ऐसा एक जमाने में हम जब एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे होते थे तो हमारी क्लास में, जैसे मैंने जिस जमाने में पढ़ा है ना, 25 स्टूडेंट्स होते थे। शुरू में जब सीए शुरू हुआ तो 2 सेक्शंस थे, एंड में टोटल 25 रह गए थे, यानी आखिर तक कैफ के खत्म होने तक 25 रह गए थे। फिर हमने उस कॉलेज में ऐसा भी टाइम देखा कि 25-25 सेक्शन बन गए। कितने? मैं से 2 ही कॉलेज कराची में, मंड के पैसे भाई, बोरियां भर के। फिर क्या हुआ? कंपेटिटर्स आ गए। कंपेटिटर्स आने की वजह से क्या हुआ? ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबने कमाया उसमें। ऐसा, लेकिन जो उस वक्त के कॉलेजेस थे उनकी ग्रोथ क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। तो ये हमेशा होता है कि सर जब एक नई कंपनी आती है तो ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल होती है। लेकिन उस ग्रोथ में बाद में क्या हो जाता है? ठंडक। क्यों? क्योंकि सर जब लोग देख रहे होते हैं कि यार ये इतना छाप रहा है तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी छाप लेना चाहिए, हम एक फैकल्टी के तौर पर काम करें। छोड़ो यार, आओ पैसा कमाएं, हैं? तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है। ऐसा इसमें किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। हमें भी लोग छोड़ के गए, सर तो होता है भाई इस तरह के कामों में। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, हमने बड़े एथिकल तरीके से छोड़ा था, हमने जिस बैच में छोड़ा था वो बैच पूरा पढ़ाया, ना ना पूरा बैच पढ़ाया। हर कोई इसके साथ कारोबार करके ऐसे ही करता होगा, ठीक है, पैसे देते नहीं। एक तरीका ये कि आप बैच पूरा पढ़ाएं, ऐसे भी राइज वालों ने छोड़ा, पूरा बैच राइज में कंप्लीट कराया, देन फिर वो दूसरी जगह मूव। दिस इज द वे यार, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी मुझे बताएं सर, मेरे पास डिविडेंड कितना है? पहले साल 4 रुपए का, उसके बाद 20% ऊपर कितना? 4 point, फिर 20% और मल्टीप्लाई करते रहो 1.2 से, कितना? 5.76। पक्का शकील पूछते जाओ मेरा बच्चा जी, 6.912। अब यहां रुक जाओ, अब यहां से आगे डिविडेंड कांस्टेंट है, यहां से आगे कांस्टेंट नहीं, यहां से आगे कांस्टेंटली ग्रो रहे। किस रेट से? 5% से। शुरू के 4 सालों में सुपर नॉर्मल ग्रोथ, बाद के सालों में 5% से। अब सुनो, अब आपने इसकी वैल्यू 2 टुकड़ों में निकालनी है। पहले आप वैल्यू निकालोगे ईयर 5 से ऑनवर्ड जो डिविडेंड है उनकी प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी? ईयर 5 से जो ऑनवर्ड्स डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और फिर आप क्या करोगे? इन 4 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है जी। और फिर उनको क्या कर दोगे? इफेक्टिवली ऐड कर दोगे। अब हम एक काम करते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक काम करते हैं, हम ईयर 5 से आगे जो डिविडेंड है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। हम कह रहे हैं जनाब 6.912 ये चौथे साल का डिविडेंड है, पांचवें साल ये 5% से ग्रो करेगा। ऐसा डिवाइडेड बाय 15% ऑफ के ई माइनस 5%। मैंने किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली? 5 से आगे, यानी सर देखें 6.912 चौथे साल का डिविडेंड है, और 1+5% इफेक्टिवली अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5th ईयर का डिविडेंड आ जाएगा। ऐसा, तो 5th ईयर एंड ऑनवर्ड सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकली कितनी? कितनी निकली? 72.576। ये प्रेजेंट वैल्यू निकली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसमें ग्रोथ रेट क्या रहेगा? 5% रहेगा। डन। ये प्रेजेंट वैल्यू निकली कहां है? ये ईयर 4 में निकली है। ये कहां निकली है? ईयर 4 में निकली। याद रखना बेटा, जहां से आप कैश फ्लोस, जैसे ईयर 5 से ऑनवर्ड है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे आती है। अब बताओ ये प्रेजेंट वैल्यू किस जगह पे आई है? ईयर 4 पे आई है, 0 पे नहीं आई है। ऐसा, अब आपने इसको एक नॉच और आगे लेके आना। कैसे? इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे?
1.15, 15% का KEA, 1.15 raised to power 4, करो क्या आ रहा है, 41.49। सर मैंने सबसे पहले एक काम किया, जहां से ग्रोथ स्टेबल हो रही है उन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली इस फंक्शन से, इस फंक्शन से निकाल ली सर मैंने, इस फंक्शन से क्या निकली वो 72.57, ये वैल्यू निकली है सर पांचवें साल और ऑनवर्ड्स डिविडेंड्स की। प्रेजेंट वैल्यू सर ईयर 4 पे आई, ठीक है जी, ईयर 4 से मैंने उसको उठा के क्या किया ईयर 0 पे ले आया, एक काम मैंने कर दिया। अब मेरे कितने डिविडेंड्स बाकी हैं जो अभी भी इस मार्केट वैल्यू में ऐड नहीं हुए, 4, इनकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ऐसे कैसे, 4 divided by 1.15, 4.8 divided by 1.15 raised to power 2, 5.76 divided by 1.15 raised to power 3, और 6.912 divided by 1.15 raised to power 4। आप मुझे इन चारों डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकाल के दें, अलग अलग निकाल के दें, कितनी आ रही है 3. जी मेरा बच्चा, तीन बार पीछे क्या मतलब, ना 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 ना, देखो मेरी बात सुनो, मुझे बता इस पॉइंट पे खड़े में कहा है, ईयर 4 पे खड़े, एक पीरियड पीछे है, दो पीरियड पीछे है, तीन पीरियड पीछे है, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कहा है, जीरो में निकाल ली, सेट है। अच्छा जी, जी मेरा बच्चा शकील, सवाल कहाँ पूछा तुमने सर, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछो ना भाई, फिर 3.6063, फिर 4, 3.78, एंड देन 3.95। अब एक काम करना, आपने मुझे 1, 2, 3 और 4, इन चारों को ऐड करके देना, ये जीरो पे निकालना है, बिल्कुल भावे जीरो पे निकालना है, अगर किसी पार्ट ए में कोई भी शकील से जवाब दे रहा हूं, कितना 14.83। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 14.83 और 41.49 इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 3, 3.2 या 3.3, ऐसा मुझे बताओ, ये वैल्यू कहाँ आई है, ये वैल्यू आई है जीरो पे, ऐसा मैं कह रहा हूं अभी हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहले साल का डिविडेंड इतना देंगे, फिर इतना देंगे, फिर इतना देंगे, ऐसा मुझे बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक ही ग्रोथ रेट होता तो जिंदगी आसान रहती, अब मेरे पास मल्टीपल ग्रोथ रेट्स हैं, तो मैंने क्या किया, जहां से 5% की ग्रोथ रेट है वहां से प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ईयर 4 पे आया और ईयर 4 से उठा के क्या किया मैंने, ईयर 0 पे ले आया, और फिर सर जो अलग अलग ग्रोथ थी 4 सालों में 20-20% की, उनको मैंने क्या किया। अच्छा, ये एग्जामिनर क्या कर सकता है, 3 फेजेस में भी पूछ सकता है, शुरू के 4 साल 20% की ग्रोथ होगी, फिर 12% हो जाएगी अगले 4 साल तक, और फिर उसके अगले सालों में क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी, तो आप 8 सालों की ग्रोथ रेट अलग अलग निकाल के प्रेजेंट वैल्यू ले लेना, और जहां से ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट हो रही है वो अलग लेके चल लेना, लेकिन इतना बड़ा सवाल एग्जामिनर बनाएगा नहीं, 2 फेजेस तो डाल सकता है, आमतौर पर 3 फेजेस जनरली नहीं डालेगा, पक्का कर लोगे जी बोलो। देखो कॉन्स्टेंट हुआ, लेकिन मसला ये कि ये जो फंक्शन है ना, ये परपेचुटी का फंक्शन है, परपेचुटी का मतलब ये अज्यूम करता है कि हमें थ्रू आउट मिलता रहेगा ग्रोथ, ठीक है ना, या तो आप ये काम कर सकते हैं, इन चारों की ना ग्रोइंग एनुटी में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता है किसी फंक्शन से, मुझे क्या करना पड़ेगा मजबूरन इनके कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन इससे आगे जो ग्रोथ है वो कयामत तक क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इस वजह से मैं ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये परपेचुटी का फंक्शन है, ठीक है सर। इसमें जी आर कंप्यूट नहीं करेंगे, जी आर क्या है, ग्रोथ रेट तो ये क्या दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है सर, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा हो, नहीं, खुद ही दिया होगा, बिल्कुल सर। इसको कॉपी करेंगे तो हम एक छोटे सवाल और कर लें इसको, जी मेरा बच्चा, जब वो तुम्हें बताएगा कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, ये बताएगा तुम्हें, सवाल लाजमी बताएगा, अगर वो कहता ना ये डिविडेंड की हिस्ट्री है तो हम खड़े होते 4th साल में,
ठीक है ना, जूम आउट कर दें, बुक कब तक आएगी यार? बुक मैं आपको बताया ना कि तीन पार्ट उसके कंप्लीट होंगे, चौथे पार्ट पे काम चल रहा है, तो होपफुली इस वीकेंड तक आ जाएगी, इतवार के दिन तक आ जाएगी। कॉस्टिंग की किताब आ गई है भाई, कल से बुक शॉप पे अवेलेबल होगी, ठीक है ना। कॉस्टिंग आ गई, एफ ए आर वन आ गई, एफ ए आर टू आ गई है, ऑडिट आ जाएगी इसी वीकेंड तक, ठीक है, सारा आ जाएगा। पार्ट ए में कोई पेपर पास नहीं हुआ ज्यादा, पार्ट बी के तीन पेपर उठा, लेकिन वो न्यू स्कीम से पहले, हाँ कर सकता है। कॉस्टिंग की किताब में कोई चेंजेस है? पूरी किताब चेंज है, पूरी पूरी किताब चेंज है। अच्छा 56.72 को क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू पर शेयर? कमिंग वीक से बेटा मुबशर, एबीसी कॉस्टिंग ऐड हुआ है कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है जी, और वो पहले भी एडिट था, इन्होंने बेचारों ने किताब में चीज चेंज नहीं की, डाली नहीं। हम तो खैर लास्ट टाइम भी सोच रहे थे पढ़ा दें, लेकिन अच्छा हमने उससे कंसल्ट कर लिया, नहीं पढ़ाया। अफरा से आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, टेंशन नहीं। 72.756 को मुझे बताओ, 72.756 किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है ईयर फाइव ऑनवर्ड्स, ईयर फाइव एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे वाली ज्यान, चलो जी आगे बढ़ो। बेटा आगे की दो क्लासेस थोड़ी सी टेक्निकल हैं, तो जरा अल्लाह के वास्ते ध्यान देना है चीजों में, ठीक है। हाँ नहीं तो बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ये जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू, शास्ता बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलो क्या एमएफए का कोर्स सीएमए से ज्यादा एक्सटेंसिव है? एमएफए का कोर्स एक्सटेंसिव तो है, लेकिन एमएफए के कोर्स में एक अच्छी बात यह है कि अगर एक दफा चीज समझ आना शुरू हो जाना तो उसमें वेरिएशन इतनी नहीं, ठीक है। और जैसे वैक का सवाल है, आपने अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू सारी चीजें निकालना सीख ली, तो जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको मतलब इस चीज की मार नहीं मारेगा कि आपको एक चीज आती ही नहीं है, वो आपको कोर्स की मार मारेगा, चीज पढ़ी नहीं आपने, वो आपसे उठा के पूछ ले, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, ठीक है जी, चेंजेस इन वैक दे दिया उठा के, इस तरह की चीजें दे दी। कॉस्टिंग में तो वो आप वो कहते हैं आ जाओ बस बेटा, लेकिन ये पिछली दफा उसने बहुत हल्का हाथ रखा था, पिछली दफा तो ऐसे ही मजाक किया था उसने पेपर में। चले जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें दो मिनट के लिए छोड़ दो प्यारे भाई। यहाँ देखो, मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी शुरू हो रही है, उसके पहले साल का डिविडेंड 50 रुपए होगा, ठीक है जी सर, फिर अप टू ईयर फाइव 25% शाबाश जी सर, मुझे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल दो। चलो जी हो गया।
चलो जी, ये 398 तो नहीं हो सकता ना मेरे बच्चों, 1181 आ रहा है काफी सारे लोगों का। अच्छा चलो, इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। देखो सबसे पहले तो डिविडेंड ड्राफ्ट कर लो उस पैच के जिस पैच में सुपर नॉर्मल ग्रोथ है। सर ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। कितना जी? 50 रुपए। सही है। चलो जी फिर अब बताए, काम करो सर आप। सर कांस्टेंट ग्रोथ, जहां से सर ग्रोथ स्टेबल हो रही है। स्टेबल ग्रोथ फेज जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, 122.06 मल्टीप्लाई बाय 4%। कर दूं? अच्छा जी, फिर इस 1587 को दोबारा 1.12 रेस टू पावर 5, कितना? एग्जैक्ट 900। ये तो आ गया एक फेज। फिर एक काम करो, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लो, किससे? डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.12। शॉर्ट ये जल्दी जल्दी कर लो। कितना? 2। सबका टोटल पक्का? गलत तो नहीं बता रहे हो ना? अब बताएं सर, 281 और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 1181। पक्का 1182 आ रहा है? ये तो फिर मेरा गलत हो गया, सॉरी जी बेटा। सर क्या आ गया? सवाल नहीं आया जी। पक्का आगे बढ़े, बढ़ जाए। अच्छा जी सर, अब अपने पास हेडिंग डालोगे। सर आंसर तो आ गया लेकिन कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट समझ नहीं, इसमें क्या समझ नहीं आया जल्दी से पूछो, क्या समझ नहीं आया? मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी है, चलो 2 मिनट के लिए सुनो। एक कंपनी है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, यूनिक नेचर का बिजनेस है, इससे पहले किसी ने नहीं किया आज तक, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। शुरू में उसके डिविडेंड्स में ग्रोथ सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो, ठीक है जी। इस कंपनी ने पहले साल एक्सपेक्ट किया कि 50 रुपए का डिविडेंड देगा और अगले 4 सालों तक लगातार ये डिविडेंड 25% से ग्रो करेगा। इसके बाद ये 25% की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आगे आ जाएंगे कंपेटिटर्स, और जब कंपेटिटर्स आएंगे तो हमारी ग्रोथ कितनी हो जाएगी सर? 4% हो जाएगी। ये केस समझ आ गया? केस क्या था? हम ईयर 0 पे खड़े हो गए, हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, कंपनी की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आगे का फेज है वहां ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, तो वहां हमने क्या किया? कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट वाले फंक्शन से उस फेज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, जो स्टेबल ग्रोथ रेट वाले फेज की प्रेजेंट वैल्यू, वो कहां मिली हमें? ईयर 5 के एंड पे। ईयर 5 से मैंने उसको उठा के क्या किया? ईयर 0 पे ले आया, 900 पे ले आया, डन। अच्छा चलो, मुझे फिर एक बात बताओ, ये हमारे ना बचपन के क्यूटी के इश्यूज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सुनना जरा, 6 से इंफिनिटी तक सुनो बेटा, छोड़ दो सारी चीजें, ये एक ऐसी चीज है जो हम बेसिक्स बचपन में देखते हुए आ रहे हैं ना, ये हुआ। मुझे बताओ 6 से ऑनवर्ड जो कैश फ्लोज हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो कहाँ आएगी? जब भी किसी कैश फ्लोज के सेट ऑफ कैश फ्लोज की एनुटी से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, वो 1 साल पीछे आती है, तो ये आ जाएगी ईयर 5 पे। अब ईयर 5 से इसको उठा के कहाँ लाना है? मैंने ईयर 0 पे लेकर आना, डन। तो इसलिए मैंने पावर क्या लगाया? 5 लगाया। पक्का? जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे आएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, 1.12 का बता दें, 12% डिस्काउंट रेट है, तो 1.12 यार, ये वाला इशू अगर किसी को है तो बता दो,
122 तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, मैं ईयर जीरो पे खड़ा हूं, मेरे बच्चे एक कैश फ्लो मुझे ईयर फाइव पे मिलेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू है या ये उस दिन की वैल्यू है? मैं ईयर जीरो पे खड़ा हूं, एक कैश फ्लो मुझे पांच साल आगे मिलेगा, वो प्रेजेंट वैल्यू है या उस दिन की वैल्यू है? तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ना। अच्छा 12% तो 0.12 होता है यार मेरे बच्चों, ये यार ये वाले मसले में काम सर मार दूंगा मैं, यकीन करो। एमएफए पढ़ने के लिए हम बैठे हैं, बीएफडी पढ़ने बैठे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक बैंक में आपने 100 रुपए रखे, एक साल बाद कितने मिलेंगे? 10% का रेट है। हम बैंक पे गए, बैंक ने कहा ये लो 10 रुपए। हमने कहा क्यों? बैंक ने कहा 100 × 10% = 10, लो भागो यहां से। हमने कहा जो 100 रुपए रखवाया था वो? बैंक ने कहा मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, 10% का रेट है, 10% लो भागो यहां से। तो मैं कह रहा हूं भाई मुझे अपने 100 रुपए भी चाहिए और 10% भी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1+ होता है ना, ऐसा है? प्रेजेंट वैल्यू के ई से क्यों निकाली? ग्रोथ रेट से निकालना चाहिए। अच्छा चलो अब इसको लॉजिकली डिस्कस करते हैं। आप कह रहे हो एक चीज 5% से ग्रो कर रही है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो 5% से, वहीं आके खड़े हो जाओ। प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है बेटा रिक्वायर्ड रेट से ना, ग्रोथ रेट से क्यों निकालोगे? हैं? आज की वैल्यू। बिल्कुल सही भावेश, बिल्कुल सही कह रहे। आगे बढ़े हम, यकीन करो बहुत बुरे हालात में भी मुझे कुछ चीजें समझ आती थी। जी जी अच्छा चलो मुझे एक चीज ये बताओ, आज आप खड़े हो, आप कह रहे हो कि मुझे 12% का रेट चाहिए, मैं ये कैसे बता सकता हूँ 3 साल बाद मुझे 16% चाहिए होगा? कैसे करोगे यार तुम? मैं ये जीरो पे खड़ा, मैं कह रहा हूँ मुझे आज 12% का रेट चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इन्वेस्टर के दिल में आता है, आज सुबह सुबह इन्वेस्टर टॉक्स ने कहा यार आज मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आज 16% मांग लेता हूँ, ठीक है जी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं आज 16%। नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ना ना ना, मैं इसको जरा से एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो। सुनो बेटा ये छोटा सा स्कूल बंद कर दो मेरी जान, मुझसे पूछ ले हैं। अच्छा जी होता ये कि यार एक इन्वेस्टर है, वो पहले ही देखता है कि मैं अगर मैं पैसा, बैंक उसको कहता है जी 6% का रिटर्न है, तो उसको पता चल गया कि इस इकोनॉमी में लोएस्ट रेट कितना है, जिसमें आपका कोई रिस्क ही नहीं है, ना होने के बराबर रिस्क है। वो कहता है यार मैं काम करता हूँ, मैं सीमेंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, सीमेंट सेक्टर रिस्की सेक्टर है, ठीक है जी। सो वो कंपेयर करता है सीमेंट सेक्टर को ऑयल एंड गैस सेक्टर से, ऑयल एंड गैस सीमेंट सेक्टर से भी ज्यादा रिस्की है, ठीक है जी। फिर वो ऑयल एंड गैस को कंपेयर करता है सर किसी इन्वेस्टमेंट बैंक से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर ऑयल एंड गैस से भी ज्यादा रिस्की है, तो वो जहन बना लेता है कि सर अगर मैं आज पैसा इन्वेस्ट करूं मिसाल के तौर पर सीमेंट सेक्टर में, और मैं 6% से 8% ऊपर रेट मांगू, यानी 14% का रेट मांगू, तो मैं अगर ऑयल एंड गैस में जाऊंगा थोड़ा सा और ज्यादा मांगूंगा, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो थोड़ा सा और मांगूंगा। याद रखना हर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट अलग अलग होता है, हर इन्वेस्टर रिस्क को अलग अलग परसीव कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा जो रिस्क लेता है उसको कहा जाता है कि थोड़ा रिस्क लोगे तो रिटर्न मिलेगा, वो कहता है ठीक है मैं ले लेता हूँ रिस्क, थोड़ा और रिस्क लोगे और रिटर्न मिलेगा, वो कहता है कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा और रिस्क लो और रिटर्न मिलेगा। एक पॉइंट पे आके बंदा क्या कहता है, नहीं बस भाई बस, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ये ना हो कि जो हाथ आए वो भी डूब जाए। अच्छा एक बंदा जो बहुत रिस्क अवर्स है, ये रिस्क अवर्स कौन होता है? हु इज अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जो रिस्क को अवॉइड करता है। अभी तो यही समझ लो, आप उसको कहते हो यार बैंकों से पैसे निकालो, किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर लो, वो आपसे क्या कहेगा? नहीं मैं नहीं इन्वेस्ट करा, मैं अपने आप को क्लासिफाई करता हूँ एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, मेरे पास कैश पड़ा होता है मैं इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है जी। भाई देखो जब जिस जो काम आता नहीं उसके अंदर घुस के आप क्या करोगे? एक जमाने में भैंसे पाली दूध के लिए, सिवाय हमारे बच्चों ने ताजा दूध पिया, इसके अलावा कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है जी, लॉस हुआ उसके। नहीं नहीं मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी में काम करना शुरू किया, उसमें हमने कुछ कमाया कुछ गंवाया, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत चाहिए था, हमने कहा छोड़ दो,
फिर एक पॉइंट पे आके हमने कहा नहीं यार नहीं हो रहा, ये कोई काम हमसे नहीं होगा यार, इसके देना पड़ेगा टाइम। अब मसला ये है कि हम एक जगह खड्डे पे खड़े हैं, वहां से पैसे निकाल ही जा रहे हैं, जो निकाल चुके हम अब उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इसका टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, ज्यादा ज्यादा इस पर गोल्ड खरीद लिया, ज्यादा ज्यादा इसके ऊपर कोई प्लॉट खरीद लिया, कंस्ट्रक्शन भी नहीं, प्लॉट, रॉ प्लॉट, ठीक है जी, इससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्यों? आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है चीजों। तो ये याद रखो, हर एक इन्वेस्टर जो है ना उसका रियल रिक्वायर्ड रेट अलग हो। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको ठीक ठाक हायर रेट देना पड़ेगा कि आप यार एक काम करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको 40% का रेट मिलेगा, मैं शायद फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊं, अदरवाइज मैं क्या करूं, छोड़ो यार एआरटीटी से इतना आ रहा है क्या फायदा, मैं नहीं है, मैं नहीं करूं काम, ठीक है जी। तो थ्योरी में भी यही सब होगा, थ्योरी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है एमएफए की, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे जाने दो, हम हमारी आदत क्या होती है, हम गाड़ी में बैठे ट्रेन में, अभी कराची के सिटी स्टेशन से ट्रेन निकली है, हैदराबाद में क्या हो रहा होगा, पहुंच जा भाई वहां देख लेना क्या हो रहा होगा, रुक जाओ जरा सा, हम आगे बढ़े, हम बात करेंगे इस वक्त किसकी, डेट की, किसकी, डेट की। अब सर प्लीज बोर्ड में देखना, ये हमारी अगली दो क्लासों में जाएगा, ठीक है, डेट फाइनेंस, और इसको जरा हमने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके बाद वैल्यूएशन, ठीक है। देखो डेट का मतलब क्या है, कंपनी उधार ले रही है, ठीक है, उधार कंपनी ले सकती है दो तरीकों से, ठीक है जी, एक होगा ट्रेडेड डेट, एक होगा नॉन ट्रेडेड। सुनिएगा दोस्त, ट्रेडेड डेट क्या है सर, पहले बताओ नॉन ट्रेडेड क्या, बैंक से लोन ले लिया आपने, बैंक से लोन लिया, बैंक आपको क्या देगा, पैसा दे देगा, और आप बैंक और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है, कल मैं चाहता हूं ये लोन मैं किसी और के हवाले कर दूं, कर सकता हूं, नहीं सर ये लोन ट्रेडेबल नहीं है। अच्छा बैंक ये कर सकता है कि आपको कहे कि यार आइंदा के बाद पैसे मुझे नहीं देना, आप मिजान बैंक को पैसे नहीं देना, आप एक काम करें जेएस बैंक को पैसे दे, नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोन होता है वो ट्रेडेबल सिक्योरिटी नहीं है। देखो बैंक ने मुझे लोन दिया तो बैंक के लिए वो क्या है, एसेट है, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, मेरे लिए क्या है, कैश डेबिट लाइबिलिटी लोन पेबल क्रेडिट, अच्छा उसका एसेट है, क्या वो ये एसेट बेच सकता है, जनरली नहीं बेच सकता, तो हम क्या ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडेड डेट। ऐसा ट्रेडेड डेट क्या है सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, सुनिएगा, मैंने आप सबको ना एक कागज का टुकड़ा पकड़ा, सुनना मेरे बच्चों, उस कागज के टुकड़े पे 100 रुपए लिखा हुआ, ठीक है, 100 रुपए जमा कराएं, ये कागज का टुकड़ा आपको मिल जाएगा, इस कागज के टुकड़े के जब तक आपके पास है आपको क्या मिलता रहेगा, इसके ऊपर सूद मिलता रहेगा। अब आपने सोचा, अब मिसाल के तौर पर हसन के पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक मैंने 100 रुपए का बॉन्ड इसको दिया है, एक मैंने सोले को दिया हुआ है, ठीक है जी, एक मिसाल के तौर पर इस बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 इन बच्चों को भी दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सबके नाम मेरे पास एक रजिस्टर में लिखे हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड होल्डर रजिस्टर, क्या कहते हैं उसको, कंपनी जिसको बॉन्ड इशू करती है उनका नाम क्या करती है, एक रजिस्टर में डाल देती, क्या कहलाता है वो रजिस्टर, बॉन्ड होल्डर रजिस्टर। अच्छा मुझे सब मुझे पता है कि इस पूरी क्लास में से मैंने 60 लोगों से ना लोन लिया, 60 लोगों के नाम कहाँ लिखे हुए, मेरे बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में लिखे। इतने में हसन ने सोचा कि मैं अपना बॉन्ड उठा के बेच देता हूं उसे, मिसाल के तौर पर शमीम को, ठीक है जी, तो क्या होगा सर, हसन ने जाके शमीम को बॉन्ड बेच दिया, खत्म, नहीं, ये दोनों आके मुझे बताएंगे सर अब बॉन्ड हसन के पास नहीं, किसके पास है, तो मैं हसन का नाम रजिस्टर से काटूंगा, उसकी जगह किसका नाम डाल दूंगा, ताकि आइंदा के बाद सूद किसको मिले। तो मुझे बताओ, ये जो डेट सिक्योरिटी आपके पास मौजूद थी, क्या आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ऐसी डेट सिक्योरिटी को हम क्या कहेंगे, ट्रेडेड डेट सिक्योरिटी। ऐसा यहाँ जहां इन्वेस्टर अपनी इस सिक्योरिटी को क्या कर सके, बेच सके। आमतौर पे तुम्हारे पूरे कोर्स में सिर्फ बैंक लोन एक ऐसी चीज होगी नॉन ट्रेडेड होगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, ट्रेडेड डेट होगा। ऐसा, अच्छा सर ये दोनों चीजें आपने डिटेल में पढ़नी है, इसमें कितने टाइप के ट्रेडेड डेट हैं, कितने टाइप के नॉन ट्रेडेड डेट हैं, ये आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में, जो हमने इसके फौरन बाद देखना है, ठीक है जी। अब बताएं सर, ट्रेडेड डेट वो जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, यानी जो इन्वेस्टर ने जिससे मुझे लोन दिया है वो क्या कर सकता है, इसको बेच सकता है। सर बेचेगा तो क्या करेगा, मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में से इसका नाम काटो, मेरा नाम डाल दो, और आइंदा के बाद सूद किसको पे करना, जो नया बॉन्ड होल्डर है उसको पे करना। ये बात समझ आती है? अच्छा मेरे बच्चों प्लीज अब बोर्ड पे देखना, अच्छे तरीके से देखना। देखो मेरी, मैं ना इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करूंगा, मैं पूरी शायद पूरी क्लास सिर्फ आज इसकी टर्म्स पे निकाल दूं, ठीक है, लेकिन टर्म समझ आ गई ना, आगे इसकी एप्लीकेशन आराम से समझ आ जाएगी।
मुझे एक बात बताओ, आज ARTT एक बॉन्ड इशू करने जा रहा है, अल्लाह में बचा ऐसी ऐसी हरामकारियों से, ठीक है जी, मतलब हराम खाना, सूद खाना, तो फिर इससे बेहतर आप दारू पी लो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ना देख लो है? नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, है ना, वाकई घर में जाके अब्बा होगा, अब्बा क्या तुमने नेशनल सेविंग में सेट रखे हुए पैसे रखे हुए, इससे अच्छा दारू पी लेते हैं। अब्बा कहें अच्छा आ जाओ बेटा, यहाँ देख लो। ARTT को पैसों की जरूरत थी, ARTT ने बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है। अज्यूम कर हमने एक ही बॉन्ड इशू किया, उस बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपए थी, और ये मैंने 100 को दिया और 100 से मैंने 100 रुपए ले लिए, डन। ये कितने रुपए में इशू हुआ, ये क्या है इसकी, ये फेस वैल्यू है, मैंने फेस वैल्यू में बॉन्ड इशू किया, 100 रुपए ले लिए, डन। मैंने 100 को कहा इसका कूपन रेट 10%, कूपन रेट नहीं है ये कूपन रेट है सर, कितना 10% है। साले ने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा साले भाई आपको 10% के हिसाब से मैं सूद दूंगा फेस वैल्यू पे। साले ने कहा अच्छा फिक्स रेट है ये, मैंने कहा बिल्कुल फिक्स रेट है, 10% के हिसाब से मैं आपको सूद दूंगा कितने सालों तक, 5 सालों तक, 5 साल बाद यकमुश्त एक साथ आपको मैं 100 रुपए वापस कर दूंगा। रिडम्पशन वैल्यू कितने बताओ, सोले ने एज एन इन्वेस्टर पूरे 5 सालों में किस रेट से कमाई करनी। क्या सोले ने डे वन पे 100 रुपए का बॉन्ड 105 का तो नहीं खरीदा, नहीं। क्या एंड में मैंने 100 रुपए की जगह 105 तो पे नहीं किए, नहीं सर। क्या 100 रुपए की जगह मैंने एंड में 98 तो पे नहीं किए। क्या सोले ने 100 रुपए का बॉन्ड 98 में खरीदा, नहीं सर। ना सोले को मैंने कोई डिस्काउंट दिया शुरू में, ना इसको मैंने प्रीमियम पे बॉन्ड बेचा, ना मैंने एंड में सोले को पैसे देते हुए कोई पैसे काटे, ना इजाफी पैसे दिए। सोले की एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है, इंटरेस्ट इनकम, किस रेट से, 10% से। ऐसा टेक्निकली सोले ने 100 रुपए की मुर्गी खरीदी है जो हर साल कितने अंडे देगी, 10 अंडे देगी, 10। अब ये सोले लेके बैठ गया, ठीक है जी। सुनना जरा दोस्तों, पहले साल का एंड आया, कितने रुपए अपने सोले को पे किए, 10 रुपए अपने सोले को पे किए। अब सोले ने ये कहा यार आपको, सुनना जरा गौर से, सोले ने मुझे आपके आके कहा कि बॉन्ड वापस लेके मेरे पैसे दे दिए। मैंने कहा ये सीन नहीं होता बेटा, ये ट्रेडेड बॉन्ड है, अब जाके किसी को भी बेच दो बात, ठीक है। इसने कहा अच्छा, अब ये मार्केट में घूमने आया तो आज इसको पता चला कि मुल्क में सूद का रेट चल रहा है 8%, कितना। जो इन्वेस्टर आज पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी बॉन्ड में, क्या रिटर्न मिलेगा उसको। तो ये हसन के पास गया, हसन को कहा मेरे पास एक बॉन्ड है जिसकी लाइफ 4 साल बाकी है, 10% का सूद देता है। हसन ने कहा ठीक है 100 रुपए लो, ये दे दो। सोले ने कहा यार मैं बेवकूफ हूँ लेकिन वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, ठीक है जी, यानी मैं ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है। तो सोले ने कहा नहीं भाई, देखो आज मार्केट में 8 अंडे देने वाली मुर्गी मौजूद है, अगर आज ये 100 रुपए तुम कहीं इन्वेस्ट करोगे क्या रिटर्न मिलेगा, 8% का रिटर्न मिलेगा। मेरी मुर्गी कितने अंडे दे रही है, तो क्या इस मुर्गी की वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए, इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड मार्केट रेट के मुकाबले में ज्यादा सूद दे रहा है, मार्केट रेट के मुकाबले में ज्यादा सूद दे रहा है। मार्केट रेट कितना हो चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज हो गए, मुल्क में मनी सप्लाई चेंज हो गई, उसकी जो है वो मनी मार्केट ऑपरेशन चेंज हो गए। सर स्टेट बैंक ने जो रेट सेट किया था उसके हिसाब से मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 8% चल रहा है, पहले कितना था। अच्छा अब सोले खुश है कि यार मुझे इस बॉन्ड से कितने का सूद मिल रहा है, आज अगर मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता कितना सूद मिलता, 8। अब सोले क्या 100 रुपए से ज्यादा डिमांड कर सकता है। अब सोले को टास्क मिला है कि ईमानदारी से इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालो, जिसकी जिसकी जिसका कूपन रेट कितना है इस वक्त और मार्केट रेट कितना है, 8%। अब सोले ने कहा यार मैं ये बॉन्ड बेचूंगा लेकिन मैं इसकी फेयर वैल्यू निकाल के बेचूंगा। अब हमने क्या निकालनी है इस बॉन्ड की, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने अभी पढ़ा है मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, हमेशा वो ये जल्दी मार्केट वैल्यू, वेरी गुड सर, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ इस बॉन्ड से कितने कैश फ्लोज मिलेंगे, 4 साल कैश फ्लो मिलेगा, कितना, ये तो परपिचुटी नहीं है ना,
नहीं सर, ये बॉन्ड जिसके पास भी है 4 साल सूद मिलेगा उसको। सूद मिलेगा कितना? 10 रुपए, 10 10 और एंड में आके रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी कितनी। तो जो भी बंदा ये बॉन्ड खरीदेगा उसको यही सूद। अच्छा, कंपनी जो ARTT है वो तो लायबल है ना कि उसने 10% सूद देना है, चाहे मार्केट रेट कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने सर डे वन पे एक फिक्स रेट पे बॉन्ड इश्यू किया था, मार्केट रेट अब कुछ भी हो जाए हमने कितना सूद देना है। अब बताओ सर, सोले ने जिस बंदे को बॉन्ड बेचना है, जो भी बंदा ये बॉन्ड रखेगा, चाहे सोले हो चाहे कोई और हो, हम उसको ARTT वाले उसको 10 10 10 और 110 रुपए पे करेंगे। ऐसा मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 8% चल रहा है। सोले ये बॉन्ड बेचना चाह रहा है, कितने में बेचे? सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलवा लूं किससे? देखिए 8% से निकाले इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.08 raised to power 2, 1.08 raised to power 3 और 1.08 raised to power 4। कितना मेरे बच्चों? अच्छा जी, एक बहुत ही बच्चे ने बात ऐसी कर दी। बच्चे ने कहा पहले क्लासिफिकेशन डिसाइड कर लें, एट फेयर वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट है। ओ अल्लाह के बंदो, ये क्लासिफिकेशन सबसीक्वेंट होती है। जब आप बॉन्ड को खरीदते हो, फेयर वैल्यू देके खरीदते हो, पैसे देके खरीदते हो, पैसे कितने देने हमने? निकालो क्या आ रहा है? 10। ये पक्का निकाल लिया तुम लोग ने? श्योर पक्का सेट है। अच्छा, जिसका 93 आ रहा है ना, लॉजिकली 93 नहीं हो सकता। क्यों? ये बॉन्ड 100 रुपए से ज्यादा का ही बिकना चाहिए। क्यों? ये 10% का सूद दे रहे जबकि मार्केट में रेट कितना है। अब बताओ 106 रुपए का ये बंदा बेचेगा बॉन्ड, खरीदने वाला कितने का खरीदेगा? ये 106 का खरीदेगा। अच्छा, जो बंदा खरीदेगा उसको टेक्निकली बॉन्ड महंगा पड़ रहा है, उसको सूद कितना मिलेगा? 10 10 10 और एंड में आके 100 रुपए वापस अपने। तो इसका इफेक्टिवली मतलब ये कि वो बंदा 40 रुपए का सूद कमाएगा लेकिन 6 रुपए का लॉस होगा उसे, क्योंकि उसने बॉन्ड क्या किया है? महंगा खरीदा है। उसने बॉन्ड क्या किया है? अब बताओ जिस बंदे ने बॉन्ड खरीदा उसका इफेक्टिव रेट कितना है? 8%। कितना? यानी बॉन्ड मार्केट में उस वक्त जो सूद का रेट चल रहा होता है, इन्वेस्टर उससे ज्यादा नहीं कमा सकता, इन्वेस्टर उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब बताओ इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीदा कितने में? 106.6 में। तो मुझे बताओ जिस इन्वेस्टर ने ये बॉन्ड 106 में खरीदा है उसका रिटर्न कितना होगा? 8% ही कमाएगा, इससे ज्यादा वो बंदा ये इस बॉन्ड से नहीं कमाएगा। सर साले कितना कमा रहा था? 10% कमा रहा था। सर ये दूसरा इन्वेस्टर भी तो यही सूद कमा रहा होगा? नहीं सर, मसला ये है कि इसने क्या किया है, 6.6 रुपए ज्यादा पे किए, तो ये इफेक्टिवली 10-10 के हिसाब से सूद तो कमाएगा लेकिन ये 6.6 रुपए इसका लॉस है। ऐसा अब बताएं सर, अगर मैं आपसे टेक्निकल टर्म्स पूछूं, डे वन पे जो जिस अमाउंट पे बॉन्ड इशू हुआ उसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। मैंने अभी टेक्निकलिटीज में जाना नहीं, सिर्फ आपको टर्म सिखा रहा हूँ। कूपन रेट क्या होता है? ओरिजिनल इशूअर इस रेट से सूद पे करेगा। ऐसा, फिर ये क्या है? ये बॉन्ड का टेन्योर है, टर्म है। ऐसा, ये क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू, एंड वैल्यू नहीं होती। कौन सी वैल्यू? रिडेम्पशन वैल्यू। फिर ये क्या है सर? मार्केट रेट। क्या ये मुझे बताओ, क्या मार्केट रेट कांस्टेंट रहेगा? नहीं सर, क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। चेंज होता रहेगा तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ऐसा है? हसन जल्दी से जवाब दो, डे वन का मार्केट रेट क्या था? डे वन का मार्केट रेट क्या था? 10% था, उसी पे तो बॉन्ड इशू किया। अगर ARTT एक और बॉन्ड इशू करता ईयर वन के एंड पे तो 8% पे इशू करता। क्यों? उस वक्त मुल्क में क्या रेट चल रहा है सूद का? इसका मतलब है जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है उस वक्त के मार्केट रेट के हिसाब से इशू करती है, वो रेट फिक्स हो जाता है, लेकिन मार्केट में तो रेट क्या हो रहा होता है, तो इसलिए बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे चल रही होती है। ऐसा है जी हसन, अब सवाल पूछो। वो जहां भी जाएगा ना यही सूद मिलेगा। मनी मार्केट जो सूद की मार्केट होती है ना, उसमें कभी बंदा मार्केट रेट को बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रिस्क साले नहीं कैरी कर रहा था? ये वाला रिस्क साले कैरी कर रहा था, नहीं कर रहा था? ये हर एक इन्वेस्टर कैरी करता है।
ये रिस्क तो हर एक इन्वेस्टर कैरी करेगा, ठीक है जी, नसीब है भाई, मुल्क में इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाएगा जाके। सर दूसरे इन्वेस्टर को रिटर्न एआरटीटी देगा, हाँ दस रुपए का सूद देता रहेगा एआरटीटी, चाहे सामने कोई भी हो। मुझे बताओ सर, सर ये डेट वाला पोर्शन आईएफआरएस 9 से सॉल्व करेगा ना? देखो आईएफआरएस 9 आता है बाद में, पहले आप दे के पैसे पैसे दे के बॉन्ड खरीदते हो। कितने लोगों ने आईएफआरएस 9 पढ़ लिया, स्टार्ट किया? चलो मुझे बताओ, फाइनेंशियल एसेट को जिस भी कैटेगरी में डालते हो, डे वन पे किस पे रिकॉर्ड करते हो उसको? वेरी गुड सर, फेयर वैल्यू पे। किस पे? जिस पैसे पे आपने उसको खरीदा है, फेयर वैल्यू पे खरीदते हो आप उसको। फेयर वैल्यू कैसे निकलती है? मार्केट रेट से। फेयर वैल्यू निकलती कैसे, वो आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे। पे करने के बाद रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आईएफआरएस 2 में। स्माइल जी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट से ज्यादा रेट किस चीज का? देखो मैं दोबारा एक चीज रिपीट कर रहा हूं, सुनो सर, पहले एआरटीटी 10% दे रहा था, आप दूसरे इन्वेस्टर को 8%। नहीं बेटा, दूसरे इन्वेस्टर को भी हम सूद 10 रुपए ही देंगे। उसने चूंकि बॉन्ड महंगा खरीदा तो वो क्या कमा रहा होगा, वो रिसीव 10 रुपए कर रहा होगा, लेकिन उसको फील हो रहा होगा मुझे 8% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड महंगा खरीदा उसने। मुझे 20% का 20 रुपए का सूद मिलता है, बॉन्ड मैंने 200 रुपए का खरीदा, मेरे लिए रेट क्या हो गया 10%। एक बंदे ने बॉन्ड 100 रुपए का खरीदा होता तो उसके लिए रेट क्या होता? कंपनी तो कांस्टेंट अमाउंट से सूद पे करेगी ना। एआरटीटी को कोई फर्क पड़ा कि मुल्क में बार में इंटरेस्ट रेट 8% हो गया? नहीं, उसको पता है मुझे तो सूद एक रेट से ही देना है। अच्छा सुनो 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 बेटा, ये छोटा सा स्कूल जो है ना, अल्लाह के वास्ते इसको डिमोलिश कर दो 2 मिनट में। देखो एक चीज याद रखो, एक एक चीज होती है मनी मार्केट, ठीक है? मनी मार्केट का मतलब है जहां सूद का लेन देन होता है, ठीक है? छोटी सिक्योरिटीज, 12 महीने साल की सिक्योरिटीज। याद रखना, जब भी सूद का कारोबार होगा, आप कभी भी मार्केट रेट से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ज्यादा पैसे कमाने आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको किसी थकी हुई कंपनी का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा? ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन पैसा डूबने का भी खर्चा होगा। सुनो जरा, एक चीज सुनो, एक छोटी सी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहा हूँ, आगे जाके डिस्कस करनी थी, अभी कर रहा हूँ। देखो आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हो ना, आप ब्रोकर को फोन करते हो कि मुझे एक बॉन्ड चाहिए। ब्रोकर ने आपको कहा AAA रेटेड बॉन्ड है। क्या मतलब? गवर्नमेंट का बॉन्ड है। किसका? पैसे आप दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है जी। डूबने का चांस 0%। ऐसा मुझे बताओ उसका रिटर्न क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। क्यों? रिस्क ही नहीं है। फिर उसने कहा हमारे पास AA रेटेड बॉन्ड है सर, 1.5% चांस है कि डूब जाए। इसका रिटर्न क्या होगा? AAA से ज्यादा होगा। फिर वो कहता है सर हमारे पास SA बॉन्ड है, ये और ज्यादा रिटर्न वाला होगा। फिर हमारे पास आता है BBB। क्या आता है? BBB तक की इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड। क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। यानी यार यहाँ जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना, आपने बाकी इन्वेस्टमेंट किए। BBB से नीचे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं जंक बॉन्ड्स। कौन से? जुआ खेला हमने, हाथ आ गया तो ठीक है, पैसे नहीं आए तो नहीं आए। तो याद रखें BBB बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट AAA से काफी ज्यादा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है AA+, इसका क्या मतलब है? ये करंटली AA पे, लेकिन इट इज अप्रोचिंग AAA। इसकी अगली मूव क्या है? ये बॉन्ड बहुत जबरदस्त है, इसकी कंपनी जिसने इशू किया ना बहुत जबरदस्त कंपनी है। अभी थोड़े टाइम में वो किस रैंक पे चली जाएगी? AAA पे चली जाएगी। AA- अभी तो AA, लेकिन इसका अगला मूव पक्का नीचे जाना है। AA न्यूट्रल सर, ये AA पे, इसके अगले मूव को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। या तो अभी ये AA पे आई है, ठीक है जी, या ये AA पे काफी अरसे से और हमें कोई डायनेमिक्स नजर नहीं आ रहा है इसके ऊपर नीचे जाने, यही पर आएगा। तो मुझे एक बात बताएं, बॉन्ड की रेटिंग निकालता कौन है? कौन निकालता? नहीं नहीं, मुझे एक आवाज आई अभी, नहीं 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 सही बोल रहा था एक बच्चा, पैकरा निकालती है सर। पैकरा कौन है सर? पैकरा एक कंपनी है सर, ठीक है जी, पैकरा एक कंपनी है सर। पैकरा तमाम कंपनीज की रेटिंग निकालती है। फिर सर JCR VIS है हमारे पास, ये 2 कंपनीज है पाकिस्तान में जो रेटिंग्स निकालती है। आप चले जाए IRTT चला जाए उसके पास, क्या हमारी रेटिंग निकाल के दे दो। क्यों? हमने लोन लेना है भाई। तो वो क्या करेगी? हमारे रेशोज निकालेगी, बैठ के आके हमारे यहाँ लोगों से मिलेगी, इन्वायरमेंट देखेगी, स्टूडेंट बेस देखेगी,
लोग आप लोगों का कंफर्ट देखेगी, ठीक है जी, सारे मामला तय करने के बाद वो डिसाइड करेगी कि एआरटीटी का जो रेट है वो ए है, क्या है जनाब, ए है। ए का मतलब अगर आज एआरटीटी बॉन्ड इशू करे तो 11-12% का सूद देना पड़ेगा, अगर हम निकलते ट्रिपल ए तो 8% सूद देना पड़ता, ठीक है जी। तो जेसीआर और पैकरा को आप पैसे खिला सकते हो नहीं, ये बड़े ऑब्जेक्टिव क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पाकिस्तान में दो ही है, ठीक है, जेसीआर और पैकरा, ठीक है जी। आप इनकी वेबसाइट्स खोलें आपको, अच्छा मूडीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे। और मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट बनाने के लिए 70 रेशोज कैलकुलेट होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि मैं तो ये वो करवाया ना काम, हमारी तो कंपनी की रेटिंग होती थी ना, हमारी जान अटकी भी होती थी, मैंने मैं सीएफओ कंपनी छोड़ रहा था, मुझे कंपनी ने छोड़ने नहीं दिया, क्यों, उन्होंने कहा हमारा रेशो आउट हो जाएगा, ठीक है जी, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो निकलता है, उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को मार्क्स दिए होते, बड़े एम्प्लॉय के मार्क्स ज्यादा होते हैं, छोटे एम्प्लॉय के मार्क्स कम होते हैं, जब वो छोड़ के जाता है तो रेटिंग नीचे आ जाता है, तो की एम्प्लॉयज आमतौर पर नहीं छोड़ते, अजाब है वहां पे भी। तो मुझे एक बात बताया सर, सूद का रेट डिटरमिन होगा कंपनी के हिसाब से, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग से, और एक इन्वेस्टर को अगर सूद ज्यादा चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए, वो क्या करे, रिस्क ले सर, उसके बाद और कोई चांस नहीं, वो ये नहीं कर सकता कि एक ट्रिपल ए कंपनी को एक इन्वेस्टर को 7% का रेट मिलता है, दूसरे को 8 मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, बड़े मागे दोस्त, अब बताओ, मैंने आपको चार टर्म सिखाई सर, पहली चीज फेस वैल्यू, इशुअर हमेशा फेस वैल्यू पे सूद पे करता है, इशुअर किस रेट से सूद पे करता है, क्या कहते हैं उसको, कूपन रेट से, कूपन रेट अप्लाई किस पे होता है, फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है, वेरी गुड। सर मुझे एक बात बताएं, क्या बॉन्ड शुरू में 100 रुपए का बॉन्ड 80 रुपए पे इशू हो सकता है, हमने अभी देखना है सर, हो सकता है, हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, हो आगे आएगा, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, डे वन का मार्केट रेट और कूपन रेट क्या होता है, आम तौर पे सेम होता है ऐसा, तो मुझे एक बात बताएं, क्या चीज है जो मार्केट वैल्यू को चेंज करेगी, मार्केट रेट, क्या चीज, बाकी कोई चीज मार्केट वैल्यू को चेंज नहीं करती। अगर पूरे दुनिया में पूरे सदियों तक इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट हो जाए तो जिस रेट पे बॉन्ड इशू हो रहा है उसी रेट पे बॉन्ड रिडीम होगा, ये हो नहीं सकता कि बॉन्ड की अमाउंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसा है। मुझे बताओ इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को अगर इसकी वैल्यू और बढ़ानी है क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूं इस बॉन्ड की वैल्यू और बढ़े, क्या दुआ मांगू, या अल्लाह मुल्क में सूद का रेट और कम हो जाए, मेरे पास 10 अंडे देने वाली मुर्गी है, या अल्लाह मुल्क में मुर्गियों में बीमारी आ जाए सर, सब 6-6 अंडे दें, हमारे इस मुर्गी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ एक इन्वेस्टर ने जब अपने पास बॉन्ड्स रखे होते हैं वो क्या दुआ मांग रहा होता है, कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, वेरी गुड सर, ऐसा। अब बताएं सर, अगर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है मुझे क्या करना चाहिए, सर मुझे उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए, क्या इसके कैश फ्लोज परपेचुटी होंगे, नहीं, क्यों सर, क्योंकि बॉन्ड जो डेट होता है उसकी लिमिटेड लाइफ होती है, 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है, ऐसा है, कर लोगे मैनेज, ये कॉपी करो तो हम इससे भागे जाए। TFCs भी आई, बिल्कुल सही कह रहे, जी मैडम है, देखो मुझे एक बात बताओ, मैं एक एक मुर्गी खरीदी है जो 10 अंडे देती है, 10 अंडे वाली मुर्गी आ गई अपने पास, आ गई, अब हम चाहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ जाए, क्या दुआ मांगे सर, बाकी मुर्गियां बीमार हो जाए ताकि ये हमारी मुर्गी सबसे सेहतमंद नजर आए, ऐसा हम ये दुआ थोड़ी करेंगे, अल्लाह ये भी बीमार हो जाए, बाकियों के लिए दुआ करेंगे, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो फिर मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, मुल्क में और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी, आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, यार क्या एमक्यूएम ने ऐलान कर दिया क्या, यार एक गैरतमंद इंसान आइंदा के बाद कभी इन बगैरतों को वोट नहीं देगा, मुझे लगा कि यार ये क्यों एमक्यूएम वालों ने क्या ऐसा किया था जो जाना, हाँ तो यार कराची अगर ये एलआई होती तो उसके अगेंस्ट सीट ही नहीं, वो रखता ही नहीं, अपोनेंट रखता ही नहीं,
मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, एज अ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ना, अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इन बगैरतों को वोट करेगा। मेरे ख्याल में इनका एक ही लीडर था, वो था अल्ताफ हुसैन, उसके बाद सारी ही बगैरत। लिटरली मैं एक बात बताऊँ, उसने इनके लिए लड़ा है, वो बंदे ने, उसके जो टीम वाले थे वो लड़ते थे, उसके बाद से टोटल बगैरत आए हैं। बहुत बुरा हुआ यार। अच्छा वेरी गुड सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर सूद का रेट कम होगा तो इनकम भी तो कम हो जाएगी। ओ भाई मेरी इनकम कम नहीं हो रही है, मैंने तो बॉन्ड खरीद लिया ना 10% पे। हाँ जी, मैं सर एक बकरा ईद के लिए एक बैल ले आया, मैंने 2 लाख रुपए का बैल लेके बांध दिया है, ठीक है जी। अब मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह सारे बैल बीमार हो जाए। हमारा बैल थोड़ी बीमार होगा जी। बड़े मागे लास्ट टाइम वैक का सवाल लोगों ने 6 से 7 मिनट में खत्म कर लिया था। चीजें अगर आती हैं जिस ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों ने, अगर चीजें आती हैं तो मैं फिर आपको बता दूं, एमएफए में मसला नहीं होगा, मसला है चीजें ही नहीं आती। जी बेटा इससे ज्यादा लगाएगा तो वो मार्केट रेट भी नहीं कमाएगा। बिल्कुल यार, वो गोश्त वाली बीमारी खत्म हुई या नहीं हुई? हो गई ना। क्या जी? भैंसों में भी आ गया। अच्छा चलो जी, प्यारे बच्चों सुनिएगा दोस्त, ये आपने सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा जी, भाई ये किताब आपको मिल जाएगी जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसी वीकेंड पे आपको मिल जाएगी मेरे बच्चों। सर शाबाश, सवाल को सॉल्व करें। जी 95 पॉइंट। अच्छा क्यों इसकी मार्केट वैल्यू कम क्यों है? सर क्योंकि मार्केट में ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा है, तो इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है जी। ये अट्रैक्टिव नहीं रहा मार्केट के लिए आज से इतना। सर मैं इसकी मार्केट वैल्यू ऐसे निकालूं, सर 1, 2 और 3 सूद कितना? प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से कितना? 9 मैं डायरेक्ट लिख दूं, 1.9। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, मार्केट वैल्यू निकालने आ गई बॉन्ड की। ऐसा कौन सा बॉन्ड आई रिडीमेबल? कौन सा? ऑब्वियसली बॉन्ड रिडीमेबल है। कौन सा? ट्रेडेड बॉन्ड। ऐसा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 13 एग्जाम्पल है इसकी, हमने अभी पहली एग्जाम्पल की, ठीक है जी मेरा बच्चा। एक साल हो गया था ना, डे वन पे तो मार्केट रेट और ये बॉन्ड रेट 10% था ना दोनों। मैंने कहा जब एक साल हो गया उसके बाद रेट क्या रह गया? 8% हो गया, सेट है।
सर पेपर में ऐसे सवाल आते हैं? नहीं बेटा, ये तो अभी हम लूडो खेल रहे हैं जी। मार्केट वैल्यू बोलेंगे या प्रेजेंट वैल्यू, दोनों एक ही बात है। सुनो जरा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखना, एक टेक्निकल सवाल तुमसे पूछ रहा हूं और जवाब तुम लोगों ने देना है सर। एक जमाने में एक कंपनी ने, कंपनी का नाम मैं ले लूं, कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा, ठीक है सर, ये 2 इयर्स नहीं होने चाहिए पिछले। अरे अल्लाह के बंदो, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक एग्जांपल दी, मैंने कहा एक बॉन्ड कंपनी ने इशू किया, एक बंदे ने ले लिया, एक साल वो लेके उसको बैठा रहा, एक साल बाद वो मार्केट में निकला, उसने कहा मैं इसको बेचूं, तो रिमेनिंग टर्म कितनी रह गई थी उसकी? जब यहाँ सवाल में वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे कि टर्म रिमेनिंग 3 साल है, तो 3 साल ही लेंगे ना, ऐसा सेट है? ऊपर वाले सवाल अगर वो बनाता तो क्या लिखता, रिमेनिंग टर्म टू मेच्योरिटी 4 इयर्स, यहाँ कितने लिख रहा है? 3 साल। अच्छा सुनो, एक कंपनी जिसका मैंने आपको नाम नहीं बताया, ठीक है जी, उस कंपनी ने किया क्या, अवाम से, सुनो, देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, अवाम से ना सूद पे पैसे लिए 13% पे, कितने पे? 13% उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। 8 बिलियन रुपया कलेक्ट किया, 8 अरब रुपया कलेक्ट किया अवाम से, ठीक है जी। उसका नाम रखा रुपया सर्टिफिकेट, क्या नाम रखा? आप सर्च कर सकते हो उसको गूगल पर, रुपया सर्टिफिकेट। क्या रेट था उसका? 13% या 13.5% का रेट था। ये पैसा लेके उस कंपनी ने जाके म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करा दिया, म्यूचुअल फंड में सूद का रेट उसको रिसीव हो रहा था 11%। कितना? 11%। लोगों ने उसको लानत दिया, यार ये क्या फजूल की हरकत की, तुमने 13% सूद पे पैसे लेके 11% पे लगा दिया। उन्होंने कहा मैं मजबूर हूं। क्या हूं? मजबूर हूं। सुनो, अब लोग परेशान, यार 13% पे सूद, 11% पे लगा दिया। रेगुलेटर ने इसको नहीं तंग किया, रेगुलेटर ने कहा फंसा हुआ होगा। अब देखो उनका काम देखो, मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी की सेल्स है 100 रुपए की, गौर से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 रुपए का, जीपी कितना है उसका? 40। सर मैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर रहा हूं 10 रुपए के, क्या बचा सर? 30। इस पर मैंने टैक्स पे किया से 30% का टैक्स, 9 रुपए होगा, क्या बचा? मुझे याद है यार, मैं 10 रुपए का एक एक्सपेंस बुक करना भूल गया, अगर अभी 10 रुपए का एक एक्सपेंस बुक करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा? बस तुम्हारा रेगुलेटर भी यही सोचता था, अगर 10 रुपए का एक्सपेंस और बुक हुआ तो हमारा प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 11। आओ चेक करते हैं, हमारी सेल 100 कर दिया, 10 रुपए बढ़ा दिए एक्सपेंस, क्या रह गया? 30। जब तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारी जी, हाँ जी, कितना रहेगा प्रॉफिट? इसका मतलब है आप जो एक्सपेंस पीएनएल में उतारते हो उससे आपका टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है सर। जो आप एक्सपेंस पीएनएल में डालोगे इफेक्टिवली इट विल लीड टू अ रिडक्शन इन टैक्स एक्सपेंस, ऐसा। मुझे बताओ आपकी जेब पे नेट इफेक्ट कितना पड़ा? मेरा प्यारा भाई इधर दोनों को नेट कर दो, 7 रुपए है खुदा, 7 रुपए। 21 रुपए का प्रॉफिट रिड्यूस होकर कितना हो गया? 14 रुपए हो गया। कितने रुपए का फर्क पड़ा? जबकि फर्क पड़ना कितने का चाहिए था? 10 रुपए का। नहीं नहीं नहीं, हमने कहा 10 रुपए का एक्सपेंस बुक करेंगे, प्रॉफिट नीचे जाएगा, लेकिन एक्सपेंस बुक करने की वजह से हमारा टैक्स पेमेंट कम हो जाएगी, टैक्स पेमेंट कम होगी 3 रुपए से, तो इफेक्टिवली हमारे पास इम्पैक्ट कितना आया? 7 रुपए का। ऐसा एंग्रो ने काम, जब 13% का सूद पे करेंगे ना तो हमारी हमारी 13% का सूद नहीं होगा, इफेक्टिवली हमें 13% 13 × 70%, ठीक है जी। वैसे टैक्स रेट 35% था उस वक्त, हम 65% यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ, कितना बचा? 9 point। दिस वॉज द इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट ऑफ दैट कंपनी, मैं नाम ले लिया गलती से, दिस वॉज द इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट ऑफ एंग्रो, ठीक है जी। इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है? अब देखो उसने आगे कितने पे इन्वेस्ट किया हुआ, लेकिन सर म्यूचुअल फंड की इनकम पे भी तो टैक्स लगता होगा, ऐसा। म्यूचुअल फंड की इनकम पे टैक्स लगता था 10%, कितना? तो सर उसका कितना हिसाब किताब था? 1.1। कितना रह गया? 9.1 का एक्सपेंस, कमा कितना रहा था वो?
9.9. पैसा किसका? आवाम का। गया कहां? म्यूचुअल फंड में। सूद कितना देना है इफेक्टिवली? 9.1। रिसीव कितना करना है? 9.9। रेगुलेटर ने डर के मारे उसको कुछ नहीं बोला। रेगुलेटर को रोकना चाहिए था उसको। क्यों? रेगुलेटर कहता है इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस इफ द अमाउंट दैट यू हैव टेकन एज अ लोन ना इज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। आपने बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्ट किया उसको, आपने क्या किया? सर ये तो होना ही नहीं चाहिए था, एडमिसिबल ही नहीं होना चाहिए था ये। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग थोड़ा मतलब जब आवाज आ रही है मेरे बच्चों अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी की बोरिंग कॉस्ट वो रेट होता है जो बैंक उसको देता है? अगर हम बैंक से लोन लेने जाए, बैंक मुझे कहे 10% का सूद का रेट है, तो वाकई में 10% सूद दे रहा हूँ? नहीं, 10% सूद देने की वजह से मेरा टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिएगा, कंपनी कभी भी बैंक से जो रेट मिलता है उस पर सूद नहीं देती है। सो पता होता है कि सर जब मैं सूद पे करूंगा तो क्या होगा, मेरा टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा? सर डिविडेंड पे करने से टैक्स एक्सपेंस कम होता? नहीं सर, डिविडेंड पे ही आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से होता है। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? अब बताओ जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरा टैक्स रिड्यूस होगा। अब बताओ आज अगर मैं बैंक से लोन लेने का, बैंक ने मुझे कहा 10% का सूद है, तो मुझे टेंशन 10% की लेनी चाहिए या 7% की लेनी चाहिए? 7% की। क्यों? क्योंकि मैं जितना सूद पे करूंगा मेरा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा मेरा टैक्स सेव होगा। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट हमेशा वो रेट नहीं होती जो मैं पे कर रहा होता हूँ। इफेक्टिव रेट होता है नेट ऑफ टैक्स। ऐसा अब ऊपर आओ इस एग्जाम्पल में, यहां बताओ कंपनी कितने रुपए का सूद पे कर रही है हर साल? क्या वाकई 10 रुपए का सूद पे कर रही होगी कंपनी? हाँ पे कर रही होगी, लेकिन दूसरे एंड पे 3 रुपए का टैक्स भी बचा रही होगी। ऐसा है? ये पहले कॉपी करो, टैक्स शील्ड की हेडिंग डाल के। अभी कितने बजे क्लास है? 4:15 है। चलो बेटा इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी, फिर इसको आगे कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।